हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द बीकर रियल एस्टेट। माय नेम इज अजय नारंग। आज हम बात करेंगे ऑक्सीरिज ग्रुप के प्रोजेक्ट की, जिनका प्रोजेक्ट आ जाता है सेक्टर 103 ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। सो ये हमारा जो है 3 और 4 BHK लग्जरी अपार्टमेंट रहेंगे और इसमें पेंट हाउस का भी ऑप्शन अवेलेबल है। और प्रोजेक्ट का नाम है चिंतामणि, ऑक्सीरिज ग्रुप का जो प्रोजेक्ट है चिंतामणि, सेक्टर 103 में। सो आइए एक बार पहले इसकी कनेक्टिविटी देखते हैं और कनेक्टिविटी के बाद हम फर्दर डिस्कस करेंगे। चलिए। सो देखिए, मैं मेन द्वारका एक्सप्रेसवे पे हूँ। इधर हमारा चला जाता है डेली द्वारका साइड, जहाँ पे स्मार्ट वर्ल्ड M3M के प्रोजेक्ट्स आते हैं, आगे ऐलान का भी प्रोजेक्ट आता है। ये सामने इधर पारस ड्यूज़ भी है और इस साइड हमारा आ जाता है NH8, 10 मिनट के डिस्टेंस पे। ये इधर आप पुरी का प्रोजेक्ट देख पा रहे होंगे, हीरो होम्स अंसल का प्रोजेक्ट है। ये हमारा 150 मीटर मेन द्वारका एक्सप्रेस वे। और इधर अंदर ये जो सामने SN इंटरनेशनल स्कूल है, इससे अंदर लेस देन 1 मिनट के डिस्टेंस पे हमारा जो है प्रोजेक्ट आ जाता है। अंडर कंस्ट्रक्शन हमारा द्वारका एक्सप्रेस वे है। सो यहीं से हम अपनी कनेक्टिविटी जो है स्टार्ट करेंगे। चलिए चलते हैं। सामने हमारा SN इंटरनेशनल स्कूल है, ऑपरेशनल स्कूल है। और अब हम जा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट वाली साइड। पहले आपको पता ही है कि मेन पहले द्वारका एक्सप्रेस वे पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो है ये इंटरनल रोड पे काम करेंगे। देखिए लेफ्ट साइड जो हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है। तो ये लेफ्ट साइड में हमारा प्रोजेक्ट आ जाता है। तो ये थी इसकी कनेक्टिविटी। सो आपने देखा होगा कि विद इन 1 मिनट के डिस्टेंस पे हम जो है मेन 150 मीटर द्वारका एक्सप्रेस वे से हम अपने प्रोजेक्ट पे लैंड करते हैं। और अगर बात करोगे पालम विहार की, तो 5 मिनट्स अगर आप द्वारका में जितने भी डेवलपमेंट हो रही हैं आपकी, AICC, भारत वंदना पार्क, DDA का गोल्फ कोर्स हो गया आपका, या जो भी नई AI ऑल इंडिया कन्वेंशन सेंटर, वहाँ से 10 से 15 मिनट का डिस्टेंस है। IJ एयरपोर्ट की बात करोगे तो 25 मिनट्स। और अगर गुड़गांव के मेजर उद्योग विहार की बात करोगे तो 10 से 15 मिनट। साइबर सिटी है MBS मॉल, 15 से 20 मिनट। इधर आप अगर NH8 जाते हो मानेसर टोल प्लाजा वाली साइड, तो 10 मिनट का डिस्टेंस है। सो आप अगर द्वारका से देखोगे, NH8 से गुड़गांव के मेन साइबर सिटी MBS मॉल से देखोगे, तो काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी निकल के आ रही है। ऑल दो एक तरह से द्वारका एक्सप्रेस वे पर हमारा ये प्रोजेक्ट आ जाता है। सो इस हिसाब से ये जो है ओवरऑल कनेक्टिविटी निकल के आती है। नाउ टॉक अबाउट द बिल्डर। बिल्डर इसमें आ जाता है ऑक्सीरिज ग्रुप। और 2006 से जो कंपनी फाउंड की थी, मिस्टर विकास दो ने कंपनी फाउंड की थी 2006 के अंदर। और इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके आ जाते हैं डेली, गाजियाबाद, इंदिरापुरम, गुड़गांव, जलंधर, भिवाड़ी के अंदर इनके प्रोजेक्ट हैं। और अराउंड 15+ प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च कर चुके हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी बिल्डर। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की। सो हमारा रेरा अप्रूव्ड हमारा प्रोजेक्ट है, प्री लॉन्च के अंदर है। जनवरी एंड में इसका रेरा जो है आया था। और 4.5 एकड़ की साइट है और अराउंड 314 अपार्टमेंट है। लेस डेंसिटी आपका प्रोजेक्ट है। और इसकी अगर बात करोगे कॉन्सेप्ट की, तो 3 और 4 BHK हाई राइज डेवलपमेंट है, रेजिडेंशियल डेवलपमेंट है और पेंट हाउस का भी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर हम
बात करें साइजेस की, सो साइजेस में 3 BHK के इसके 3-4 ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे 1875 स्क्वायर फीट आपका, 1845 स्क्वायर फीट आपका, 2075, और उसके ऊपर 3 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर अराउंड 2300, और फिर सबसे बड़ा साइज 2675 4 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर का ऑप्शन आ जाता है। पेंट हाउस का भी इसमें ऑप्शन है, आई थिंक पेंट हाउस का आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, और पेंट हाउस में आपको 3600 स्क्वेयर फीट से लेके 5000 स्क्वेयर तक के 3600, 4000, 4400 और 5000 स्क्वेयर फीट के पेंट हाउस 4 साइजेस आपको मिल जाते हैं। सो इसी हिसाब से कॉन्सेप्ट है। बाकी इसमें आपको मॉडुलर किचन विद हॉब एंड चिमनी, और आपको जो है इसके अंदर, आपको इसके अंदर जो है मॉडुलर किचन मिल रही है विद हॉब एंड चिमनी, इसके अंदर जो आपको वार्डरोब भी आपके इसके अंदर मिल रहे हैं, प्लस इसके अंदर एक तरह से 3x स्पेस मिल रहा है आपको कार पार्किंग को, एक तरह से 2 आपको कार पार्किंग मिल रही है, हाइड्रोलिक इसमें ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो, और इसमें कार इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग पॉइंट भी है नए कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ये आपको पता ही है प्रोजेक्ट बन रहा है। और इसके अलावा आपको जो है मार्बल फ्लोरिंग मिल रही है ऑल बेडरूम में, और ड्राइंग डाइनिंग इनके अंदर भी आपको इटालियन मार्बल मिल रहा है इसके अंदर। सो ओवरऑल एक अच्छा प्रोजेक्ट है, फुली लोडेड एक तरह से अपार्टमेंट मिल रहा है, और नए कॉन्सेप्ट से आपका अपार्टमेंट, फसाड भी आपने देखा हो कितना अच्छा इसका फसाड निकल के आ रहा है, बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो है ये फसाड दे रहे हैं। सो इस हिसाब से जो है इनका ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। बाकी आपको मैं एक बार साइट व्यू करवाता हूँ, ऑल्दो अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है, अभी कुछ दिन पहले इसका काम स्टार्ट हुआ है। सो आपको एक मोटा मोटा साइट का व्यू दिखा देता हूँ कि आसपास कौन सी सोसाइटीज़ हैं, और फिर जो हम आगे एमिनिटीज, पेमेंट प्लान और इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, सो ये सामने से हमने एंट्री की थी, काफी वाइड एंट्री है, अगर आप सामने देख पा रहे होगे तो। अंडर कंस्ट्रक्शन हमारी साइट है, कुछ दिन पहले ही काम इनका जो है स्टार्ट हुआ है, ये हमारी कंप्लीट साइट आ जाती है। वो सामने आप देख रहे होंगे मल्टीपल ग्रुप के जो है हाई राइज रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, लैंडमार्क का प्रोजेक्ट है, कंसल का प्रोजेक्ट है, इधर भी आपका ये जो हाईरेज रेजिडेंशियल एक प्रोजेक्ट है, ये आपकी कंप्लीट, ये इधर आप देखोगे तो हीरो होम्स पूरी का प्रोजेक्ट है, ATS का रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट दिख रहा है सामने आपको, ये लैंडमार्क का प्रोजेक्ट है सामने। सो ये वहाँ जहाँ तक आप देख पा रहे हो वहाँ तक इनके जो है साइट है, 4.5 एकड़ की साइट है, और ये आपकी कंप्लीट अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है। यहाँ पे है जो इनका ऑफिस का, सेल्स ऑफिस का और सैंपल अपार्टमेंट का काम चल रहा है, सामने सैंपल अपार्टमेंट बन रहा है और लेफ्ट साइड जो है इनके सेल्स ऑफिस का काम चल रहा है। ये उधर आप देख पा रहे होगे पारस ड्यूस टावर है सेक्टर 103 के अंदर, सो ये आपकी कंप्लीट साइट आ जाती है। ये तो इसका साइट व्यू, अब बात करते हैं आसपास हैबिटेशन की। जैसे कि मैंने आपको साइट व्यू और कनेक्टिविटी के टाइम में भी दिखाया कि आसपास इसके अच्छे खासे हाईरेज आपको देखने को मिलते हैं, जैसे लैंडमार्क का प्रोजेक्ट है, आप ऑन रोड जाओगे तो हीरो होम्स का अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है आपका, जो है पूरी एमलैंड वे आपका रेडी टू मूव प्रोजेक्ट हो गया, ग्रैंड डिवा सिग्नेचर ग्लोबल का अफोर्डेबल भी है। उस तरफ आप थोड़ी सी आगे और जाओगे शपूर जी BPTP एमस्टोरिया गार्डन, अगर इधर द्वारका वाली साइड जाओगे तो पारस ड्यूज हो गया आपका प्रोजेक्ट, और थोड़ी सी और आगे लेफ्ट साइड जाओगे तो गोदरेज मेरिडियन शोभा। सो आसपास अच्छी खासी हैबिटेशन है, साइट व्यू में आपने देखा होगा कि पूरा हाई रेज रेजिडेंशियल से ये प्रोजेक्ट घिरा हुआ है, तो ये इस हिसाब से रेजिडेंशियल। अगर आप बात करोगे इसकी हॉस्पिटल्स की तो वाइब्रेंट हॉस्पिटल आपका आ रहा है, हॉस्पिटल स्पर्श हॉस्पिटल और कोलंबिया एशिया जो है पालम विहार में सबसे बड़ा आपका हॉस्पिटल है। इसके अलावा आपका द्वारका 10-15 मिनट के डिस्टेंस पे है तो वो हॉस्पिटल भी आपके एक्सेसिबल है। NH8 पे आप जाते तो NH8 के पास आपके फोर्टिस हो गया आपका, पारस हॉस्पिटल हो गया, आर्मिटीज हो गया, वो भी आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें स्कूल्स की तो DPS की तो आपके मेन रोड पे ब्रांच है, SN इंटरनेशनल स्कूल हो गया जहाँ से हमने कनेक्टिविटी स्टार्ट की थी। इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो गुड़गावा ग्लोबल हाइट स्कूल हो गया आपका, प्राइम स्कॉलर स्कूल हो गया, रॉयल ऑक स्कूल हो गया, अगेन द्वारका और NH8 के आसपास स्कूल भी आपके एक्सेसिबल है। सो ओवरऑल आसपास अच्छी ठीक ठाक हैबिटेशन है, और जब आपका द्वारका एक्सप्रेस ईयर एंड पे रन होगा उसके बाद और भी कमर्शियल स्कूल्स आपके रेजिडेंशियल जो है कुछ टाइम के अंदर जो बन के रेडी हो जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी हैबिटेशन। अब एक बार एमिनिटीज की बात कर लेते हैं। सो 20,000 स्क्वायर फीट का आपको इसमें क्लब हाउस मिलेगा जिसमें आपको स्विमिंग पूल भी है और जो भी आपकी जो एमिनिटीज होती हैं, स्पोर्ट्स अरेना भी इसके अंदर है, ओपन एमपी थिएटर भी है, और ओवरऑल अच्छी आपको एमिनिटीज भी मिल रही है इस प्रोजेक्ट के अंदर। सो ये था एमिनिटीज के बारे में। अब हम बात करते हैं पेमेंट प्लान के बारे में। तो 3 पेमेंट प्लान है इसके अंदर, एक पेमेंट प्लान है इसका कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान, पोजेशन लिंक प्लान और आपका डाउन पेमेंट प्लान।
सो कंस्ट्रक्शन पे पेमेंट प्लान, जैसे कि आपको पता ही है कि आपके 5 लाख से बुकिंग होगी और 30 डेज में आपको 10% कंप्लीट करना है, देन 60 डेज, और फिर उसके बाद 90 डेज में 10%, और फिर उसके बाद जैसे जैसे फ्लोर की कंस्ट्रक्शन होगी यू हैव टू पे अकॉर्डिंग टू दी कंस्ट्रक्शन। जैसे आपका 10% आपका जब 5th फ्लोर की स्लैब होगी, फिर 10th फ्लोर की स्लैब होती है तो फिर 10%, 15th फ्लोर की फिर 10%। तो द वे बिल्डर डूइंग दी कंस्ट्रक्शन ही विल आस्क फॉर दी इंस्टॉलमेंट। दूसरा, अगर डाउन पेमेंट प्लान की बात करें तो 10 लाख से आपकी बुकिंग है, आपको 60 डेज में 90% कंप्लीट करने हैं और रेस्ट आपको जो है पोजेशन पे, ऑल्दो सिर्फ 10% ही आपका रह जाएगा। सो इसमें आपको डाउन पेमेंट डिस्काउंट में मिलेगा। तीसरा, जो हमारा पोजेशन लिंक पेमेंट प्लान है उसमें आपकी अगेन 5 लाख से बुकिंग है और 30 डेज में आपको जो है पेमेंट करनी है, फिर 60 डेज के अंदर एक तरह से आपको 45% कंप्लीट करना है, फिर 35% आपका सुपर स्ट्रक्चर पे और 30% पोजेशन पे। सो 3 पेमेंट प्लान है, फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है, आप अपनी फंडिंग के अकॉर्डिंग किसी भी प्लान को चूज कर सकते हो। सो बिल्डर हैव गिवन अ गुड ऑप्शन ऑफ 3 प्लान्स, लोन आपका इसमें अवेलेबल है। अब बात करते हैं अपने मेन सेगमेंट प्राइसिंग की। सो प्राइसिंग जो इसमें है वो अगर आप देखोगे ओवरऑल तो 8,600 8,600 रुपये पर स्क्वेयर फीट में आपकी प्राइसिंग जो है स्टार्ट हो जाती है। अगर आप ओवरऑल द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करो, अगर मैं कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बताऊं तो एवरेज आप 12,000 से आपकी प्राइसिंग स्टार्ट हो रही है। अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूं तो 8,600 के अंदर आपका BSP, EDC, IDC, 2 कार पार्किंग, आपका क्लब डेवलपमेंट चार्जेस, हर चीज़ आपकी इंक्लूड हो जाती है। ओवर एंड अबव इसका आपका GST 5% एंड PFC प्रेफर फ्लोर चार्जेस जो कि एज एप्लीकेबल है। सो एक तरह से 8,600 चीज मिल रही है। यहाँ आपकी जो जो सबसे छोटा साइज है 3 BHK का 1845, तो 1.59 CR से आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है और जिस हिसाब से आप बड़ा फ्लोर लोगे उस हिसाब से आपकी प्राइसिंग है। सो 1.59 CR से आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होगी। और अगर यही हम पेंट हाउस की बात करते हैं तो पेंट हाउस में आपकी 3.12 CR से आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है। जैसे कि मैंने बताया 3068 उसका साइज है। सो इस हिसाब से पेंट हाउस की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है और प्राइसिंग आपको मैं अपार्टमेंट की बता ही चुका हूँ। सो मेरे हिसाब से 8,600 रीजनेबल प्राइस है वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग। और लोकेशन जैसे कि मैंने आपको बताया द्वारका एक्सप्रेस वे है, इफ़ यू सी दी फसाड, काफ़ी अच्छा फसाड भी लेके आ रहा है और एंट्रेंस भी इसकी काफ़ी अच्छी एंट्रेंस है, जो कि आपने जब मैंने आपको साइट पर दिखाया तो काफ़ी अच्छी एंट्रेंस है और आसपास आपको पता है स्कूल हॉस्पिटल्स आपके कमर्शियल भी काफ़ी ऑपरेशन होने वाले हैं। सो मेरे हिसाब से आप अपना ड्यू डिलीजेंस करके इस प्रोजेक्ट को देख सकते हो। बाकी आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कनेक्टिविटी बिल्डर के बारे में या आपको लेआउट चाहिए, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी प्लीज़ सब्सक्राइब करें जिसमें गुड़गांव रियल एस्टेट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ। सो ये था आज का हमारा प्रोजेक्ट चिंतामणि बाय ऑक्सीरिज ग्रुप इन सेक्टर 103 द्वारका एक्सप्रेस वे। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।